दूसरा टेक। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आइए आज मिलते हैं एमपीपीएससी 2020 में सिलेक्टेड दीपक सिंह मरावी सर से, और डीएसपी में सिलेक्ट हुए हैं सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए मुझे। और मैं ये आपका जो चैनल है वो बहुत पहले से देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैं प्रिपरेशन के टाइम पे ही मैंने देखा था ये चैनल, पहले से मुझे पता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं है, मतलब ऐसा कौन है, तो लड़कियों का चैनल ऐसा बहुत कम होता है, तो मैंने देखा था तभी मुझे लग रहा था कि कोई भी है बहुत अच्छा काम कर रहा है करके। तो मुझे ऐसा था कि कभी मिलना था, और पहली बार आपने जब वो किया अप्रोच तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए ठीक है। आपने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया ये बता के। नहीं, पहले क्या था कि अपन नॉर्मली फोन चलाते ही रहते, तो होता है कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से देखा था मैंने। तो बहुत पहले प्रिपरेशन के टाइम पे मेरे बुक लिस्ट ये सब की वो देखी है मैंने, तो मुझे अच्छा लगा आपका काम। सर आप कहाँ से हैं। मैं डिंडौरी जिला है, उसकी सहपुरा तहसील के गांव है मंगेला, उधर से प्रॉपर उधरी से। जब आपने तैयारी के बारे में सोचा कि एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपके मन में क्या डाउट्स आते थे। सबसे पहले तो ये डाउट होता है कि होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले यही होता है सबसे बड़ा कि होगा कि नहीं होगा। इतना बड़ा एग्जाम है, एक साल लगभग चलता है, और हमारे उसमें तो 4 साल चला, तो ये सब चीज़ें थी। लेकिन डर होता है कि होगा नहीं होगा, और आसपास का जो वातावरण है, सबसे ज़्यादा तो जो लोग मिलते हैं कि पहली बार में नहीं होता है, पहली बार में प्री नहीं होगा, फिर प्री हो जाएगी तो बोलेंगे पहली बार में मेंस नहीं होगा, फिर मेंस होने के बाद बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है इंटरव्यू पहली बार में हो जाए, तो ये सब हर कोई आसपास बोलता है। लेकिन ये है कि भरोसा रखो खुद पे, तो धीरे धीरे प्रोसेस होती है, ये होते जाता है। और सबसे ज़्यादा मेरे को ऐसा लगता है कि जब नए नए आते हैं और आपने कभी अचीव नहीं किया हो, कुछ होते हैं कि कोई टॉपर ही शुरू से रहा है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है। हम कभी टॉपर नहीं रहे, हम फेलियर रहे, तो फेलियर वालों के लिए सबसे ज़्यादा ये होता है कि आप कैसे करेंगे। तो फेलियर वाला व्यक्ति जो है ना, खुद को कॉन्फिडेंस मतलब लाने के लिए, या फिर और दूसरों से कैसे प्रेरित हो, खुद में मोटिवेशन कैसे बनाए रखें, तब जाके अगर मोटिवेट खुद को करते रहेंगे ना तभी पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। जब आपने नोट्स के बारे में सोचा कि कौन से बुक्स पढ़े, तो आपको क्या कन्फ्यूज़न हुआ, और आपने कैसे सेलेक्ट किया, और एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। अभी सबको एनसीईआरटी का ये सब पूछते हैं, तो वो बता दीजिए। मैं कॉलेज के दौरान मैंने सोचा था कि मेरे को पीएससी करना है, लास्ट ईयर में मैंने सोचा था, और सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। उस समय तो सबसे पहले तो ऐसा रहता है कि आपको पढ़ना है, मैंने भी वही किया, सिर्फ पढ़ा, समझ में कुछ नहीं आता था कि कौन अकबर है कौन हुमायूं, कुछ समझ नहीं आता था, बस ऐसा था कि पढ़ना है ताकि मैं प्रॉपर जब पढ़ने पर आऊँ, तैयारी करने पर आऊँ, तो मेरे को ये रहेगा कि हाँ मैंने ये नाम सुने हैं कहीं पर। तो सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी करी, और 2-3 बार मैंने कर ली थी कॉलेज के दौरान, सिर्फ पढ़ी है, कोई नोट्स नहीं बनाए, कोई कुछ नहीं करे, बस ये पता रहता था मेरे को कहानी उसकी पूरी, तो ये पता रहती थी। फिर उसके बाद फिर मैंने नोट्स से पढ़े, प्रॉपर नोट्स से ही पढ़े मैंने। तो एनसीईआरटी किस किस सब्जेक्ट की पढ़ी आपने। मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी प्रॉपर होती है एनसीईआरटी जैसे सब्जेक्ट जो अपने होते हैं, वो प्रॉपर सब पढ़े मैंने। साइंस भी पढ़ा, साइंस तो पढ़ा है मैंने, साइंस का इसलिए क्योंकि साइंस का जो था मेरा 12th के बाद, और इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत पढ़ी, लेकिन ऐसा था बेसिक स्तर पर पढ़ना जरूरी था, हिंदी मीडियम, एमपी बोर्ड, तो और ज़्यादा वो रहता है, तो एनसीईआरटी पढ़ने में कुछ नया रहा, और ये 19वें और 20वें दोनों में हेल्प किया मेरे को एनसीईआरटी की बुक्स ने, खासकर साइंस वाले ने। और आज भी 20 वाला मेरा जो निकला है, तो उसमें मैं कहता हूँ 3rd पेपर में मैंने साइंस पर ही ध्यान दिया था, इसलिए ही निकला है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, और बनाए तो कितना टाइम दिया उनको। मैंने जब मैंने शॉर्ट नोट्स 2019 की प्रिपरेशन में बनाए थे, तो जब 26 तारीख को रिजल्ट आया, 26 दिसंबर 2020 को, 31 को मैं इंदौर आ गया था, उसके बाद 3 महीने थे मेरे पास पेपर के लिए, तो उस दौरान मैंने फर्स्ट रीडिंग करी, एक बार पढ़ा, उसके बाद ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, क्योंकि दूसरे महीने से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, उस दौरान मैंने शॉर्ट नोट्स से बना के और उसी को रिवाइज करता था, वो बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम टाइम पर, तो बहुत ही ज़रूरी है। उस समय महसूस होता है कि भाई अगर आपने नहीं बनाए तो फिर आप पिछड़ जाते हो, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है, आप नहीं कर पाते हैं, सब कुछ नहीं पलट पाते, आप एक बार पूरे नोट्स खुद के ही नहीं पलट सकते, आपने यहाँ तक कि हैंड रिटन भी बनाए वो भी नहीं चेंज कर सकते, मतलब सब कुछ नहीं पलट सकते, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। आपने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियर्स का कैसा रूटीन रहता है आप बताइए, पढ़ाई का स्टार्टिंग सुबह से। देखिए इंजीनियर्स तो थोड़े ऐसे होते हैं कि मतलब सब चीज़ उनको ईजी वे में चाहिए, हम मतलब ऐसा है कि जैसे नोट्स हैं तो हमको ऐसा होता है कि बुक से नहीं पढ़ पाएंगे, हमको कम से कम जितना मिले ना वैसा होता है। तो मेरा ऐसा था कि जब यहाँ आया मैं, खासकर इंजीनियरिंग के दौरान, तो ऐसा है कि रात भर जाग रहे, कुछ भी मतलब कोई वो नहीं होता, रूटीन नहीं होता, लेकिन पीएससी में आने के दौरान मैंने, खासकर मेंस के दौरान मेरा शेड्यूल प्रॉपर था,
कि सुबह 5-6 बजे उठना है, फिर उसके बाद पढ़ना है 1-2 घंटे, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, फिर पढ़ाई, फिर करनी है, फिर दोपहर में खाना। एक्चुअली मैं खुद बनाता हूँ तो बनाने का शौक भी है और मेरे को खुद पसंद है, तो वैसा फिर बना ना खाना। उसके बाद फिर दोपहर में फिर कुछ देर के लिए आराम किया अपन ने, फिर शाम को फिर 4-5-6 बजे तक पढ़ा, उसके बाद फिर चाय पीने चले गए, फिर 2-3 घंटा पढ़ने के बाद फिर खाना वाना खुद बनाया, फिर लास्ट में 11 बजे तक, तो 11 से 5 तक सोना है। बाकी दिन भर का शेड्यूल प्रॉपर फिक्स होता है मेंस के टाइम पे, ये शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता है। कभी मेरा सिलेबस जल्दी हो गया उस दिन का जो मैंने बनाया शेड्यूल, तो मैं आराम से कुछ भी कर सकता हूँ, मूवी देख सकता हूँ, कुछ भी, ऐसा होता है उसमें। ग्रुप स्टडी की कि अकेले ही आपने साथ? ग्रुप स्टडी तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब दीदी थी मेरी, बड़ी वाली दीदी, तो उनके साथ ही पढ़ता था, तो कुछ डाउट होता था तो उनसे ही डिस्कस करता था। और मेरा मानना है कि आप ना जितना किसी से डिस्कस करके पढ़ते हैं ना, उतना अच्छा नॉलेज होता है आपका, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि आपको डाउट होती है, आपको सही लगती है, लेकिन किसी और से जब आप बात करेंगे तो वो अच्छा दृष्टिकोण आ जाता है उसमें कि सामने वाले की क्या पर्सपेक्टिव है, ये ज़रूरी है। इसके बाद आप ये बताइए कि आपने शॉर्ट नोट्स आपके बन गए, फिर आपने टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट की? मेरा जब 2019 का फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उस समय मैंने 3 महीने का समय था, 1 महीने मैंने पहले पढ़ा, उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, तो 2 महीने जब मेरा पढ़ के सब हो गया, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मैंने पहली बार पढ़े लेकिन मैंने पढ़ लिया था, तो जो 2nd मंथ था उसमें मैंने 2 टेस्ट सीरीज एक साथ ज्वाइन किए थे। क्या है, मेरी आंसर राइटिंग उतनी प्रैक्टिस थी नहीं, तो मैंने 2 टेस्ट सीरीज एक साथ कर लिए, जिसमें एक टेस्ट सीरीज में प्रॉपर ध्यान दे के पढ़ता था, दूसरी टेस्ट सीरीज ऐसी थी कि जो मैंने पहले पढ़ा है लेकिन प्रॉपर उसमें टाइम नहीं देता था मैं, बस जाके दे आता था। तो उसमें ये होता था कि आप जो पहले दिए हैं वो याद आ जाता था कि हाँ भाई क्या लिख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं वहाँ पे, कि आपने नहीं पता क्या लिख रहे हैं उस वक्त, तो रिकॉलिंग अच्छी, मतलब वो क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है कि नहीं बनेगा तो अपन क्या लिख सकते हैं, वो क्षमता का भी विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो लगातार चलता रहा और मैंने 2 टेस्ट सीरीज लगातार जितनी भी रही, और 10-15 दिन पहले छोड़ दी थी टेस्ट सीरीज, फिर प्रॉपर खुद पे ही करता था। आपको कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ? सोशल मीडिया ने आपको डिस्ट्रैक्ट किया या हेल्प किया? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट तो करता है, आस पास लोगों को देखते हैं कि कौन कहाँ पहुँच रहा है, कौन नहीं पहुँच रहा, तो मैंने ना प्रॉपर इससे अलग ही रहा। मुझे सोशल मीडिया ऐसा है कि क्यों आवश्यक है, क्यों इतना ज़रूरी है, पढ़ाई यूपीएससी की बात अलग है, उधर कुछ मिल जाता है मटेरियल, लेकिन एमपीपीएससी में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो नोट्स हैं या बुक्स हैं जिससे पढ़ रहे हैं आपके लिए वही आवश्यक है, तो सोशल मीडिया क्यों आवश्यक है, वहाँ कौन इतना आवश्यक आपके लिए बैठा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि आपके लिए जो जरूरी है ना, आपका जो लक्ष्य है उसके लिए आप प्रॉपर फोकस रहिए, सोशल मीडिया इतना जरूरी वर्तमान परिदृश्य में कहा जा सकता है कि लोग चलाते हैं ये वो, पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए जो जरूरी है आपके लिए वो, सोशल मीडिया पे क्या होता है दोस्तों से बातें हैं ये सब, वो इतना जरूरी नहीं है। ये दोस्ती पे कहना चाहूँगा कि जो दोस्त होते हैं ना रियल, उनको ना ये नहीं होता कि रोज बात कर रहे नहीं कर रहे, जब भी बात करो ना तो वो एक होता है दोस्ती वाली, उसको ये नहीं होता कि भाई रोज तू फोन नहीं उठाता, रोज बात नहीं होती हमारी, ऐसा नहीं होता। दोस्ती ऐसी होती है कि कभी भी अपन मिल रहे हैं तो उसी अंदाज में मिल रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है रोज मिल रहे हैं, तो ऐसी चीजें होती है। और माँ बाप जरूरी है, भाई बहन जरूरी है, जो आपके आसपास जो पॉजिटिव वाइब लाते हैं, तो सोशल मीडिया मेरे को ऐसा नहीं लगता कि पॉजिटिव वाइब हमेशा लाता हो। रिवीजन पैटर्न आपका कैसा था, और मेन एग्जाम में बैठने से पहले आपने कितनी बार रिवाइज किया अपने नोट्स? तो मेरा प्रॉपर 3 महीने की मेंस की स्ट्रेटेजी होती है, तो मेरा ऐसा रहता है 3 से 4 बार मैं सिलेबस को पूरा पढ़ा लूँ। पहली बार बहुत एक बहुत लंबा अंतराल होता है पढ़ने का, 1-1.5 महीने का, उसके बाद कम होते जाता है, 2nd में फिर रिवाइज कम हो जाता है पीरियड उसका, फिर तीसरा, ऐसा कम समय होते जाता है, और लास्ट वाला होता है सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखते हैं, और फिर एक फाइनल जो होता है वो एग्जाम के टाइम पे। तो कुल मिला के अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आ जाए तो 4 से 5 बार रिवाइज होता है। डिमोटिवेशन आता था इस बीच तैयारी के दौरान? बहुत आता है, मतलब ये तो सबसे ज्यादा आता है। क्या है कि लाइफ में मतलब ऐसा कुछ कभी अचीव नहीं किया मैंने, मतलब बहुत हमेशा ऐसे एक एवरेज स्टूडेंट, और फेलियर भी बहुत देखे, तो डिमोटिवेशन आता है रोज, मतलब ऐसा होता है कि यार क्या पता होगा कि नहीं होगा। प्री निकलने के बाद भी ये था कि पता नहीं अब मेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहली बार लिखना तो इतना डर होता है और ये नहीं पता कि कौन कैसा है, और ऊपर से ये 4 साल का जो समय था ये तो बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। और इसमें तो एक चीज़ सीख गए हमने कि धैर्य रखना आवश्यक है, पीएससी में अगर आप आ रहे हो ना तो धैर्य रखना आवश्यक है, और दूसरा ना आपको ना खुद में एक ऊर्जा का स्रोत बनना पड़ेगा, मतलब मोटिवेट कोई नहीं करने आएगा, आपको खुद होना पड़ेगा मोटिवेट और दूसरों को करना पड़ेगा, खुद एक वाइब बनानी पड़ेगी कि लोगों के साथ थोड़ा पॉजिटिव रहो आप, नहीं तो नेगेटिव तो हर पर्सन नेगेटिव कर देगा आपको, मतलब सकारात्मकता कैसे आप ला रहे हैं दूसरे की लाइफ में कैसे ला रहे हैं, ये जरूरी होती है तैयारी के दौरान भी। तो इसमें आसपास जो है ना
वो सबसे ज़्यादा जरूरी, सिलेक्टिव पीपल रहेंगे ना तो आप पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और वो फिर प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करती हैं, वरना नहीं हो सकता फिर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, आपको ऐसा लगा कि यार कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट लाइफ में जब आप तैयारी करते हो? होती है, वो तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। क्या है कि घर से एक सीमित आती है मनी, जो है सीमित आती है, उसके बाद यहाँ पर उसको कैसे यूज़ करते हैं, कई चीज़ें होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली होती है। लेकिन ऐसा है कि जितना है जो है सीमित संसाधनों में भी ना आप अच्छा कर सकते हैं, ये सिर्फ आपकी ना सोच पर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से संसाधन है, उसका इतना बेहतर उपयोग कर लेंगे आप उतना अच्छा हो जाएगा। जैसे कुकिंग आप खुद करते हैं, तो आपको ऐसा लगता था कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है पढ़ाई के लिए? मुझे ऐसा है कि टाइम वेस्ट मतलब एक अलग चीज़ होती है, बात यह है कि आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो क्या करेंगे आप, खुद से आप बना रहे हैं, जो मनपसंद है वो खा सकते हैं, जितना अच्छा होगा खुद से बनाएंगे तो कम से कम ये रहेगा कि आप बीमार नहीं होते। बाहर के खाने पे बीमार होते हैं, मेरे साथ हो चुका है पेपर के दौरान। 2019 का जब मैं पेपर दे रहा था तो हमने खाना बना के खुद ही खाते थे 2 महीने, फिर पेपर आ गया तो हमने सोचा मैस लगा लेना चाहिए, मैस लगाया, और उस समय कोरोना चल रहा था, 2021 की बात है, कोरोना चल रहा था, स्वास्थ्य खराब हो गया पेपर के 20 दिन पहले, बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया, ब्लड ब्लड आने लगा, मतलब इतना ज़्यादा हो गया। दीदी और मैं बस थे, 2 लोग थे, एक 10x10 का कमरा लेके रखे, 2 लोग बस थे, खाना का क्या करें अब बंद कर दिए। ठीक है, 2 सप्ताह जैसे तैसे चलता रहा तो बहुत बीमार हो गया। दीदी ने बोला अब तो जा घर चले जा क्योंकि यहाँ नहीं रह पाएगा। उस वक्त तो ऐसा था कि मैं भी समझ रहा था कि पेपर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि इतनी मेहनत करी आपने, फिर मैंने पेपर देने के लिए खुद को नहीं, अब तो जैसे भी होगा देंगे पेपर चाहे जो भी हो। बात ये है ना कि एक बार लड़ेंगे फिर मरेंगे जिएंगे, जो होगा देखा जाएगा। फिर जैसे तैसे संभाला, 2 सप्ताह था, रिवाइज किया उस शॉर्ट नोट से, वो दिया, बाद में मैथ्स वाला था उसको लगाया था हमने, पेपर के दौरान भी सेम हुआ, लगाया हमने, फर्स्ट पेपर दिया, सेकंड पेपर में मैथ्स वाला होली की छुट्टी है करके वो चला गया सब कुछ। पेपर के दौरान जहाँ एक समय कीमती होता है वहाँ खुद ही बना के खाते थे। तो ऐसा रहा है कि खाना बनाने वाला जो सिस्टम है तो मेरे को इसलिए सही लगता है क्योंकि स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है आपका, पेपर के दौरान बिगड़ गया तो आप क्या कर लोगे फिर, इसलिए जितना संभव हो सके। आपने कितना गाइडेंस लिया और सबसे ज़्यादा किससे गाइडेंस लिया? और एक रहता है ना कि अब स्टॉप कर देना चाहिए गाइडेंस लेना, क्योंकि फिर पढ़ते नहीं है, गाइडेंस ही पूरे टाइम देखते रहते हैं, ये वीडियो इसने ये बोला, तो आपने आपको स्टॉप कहाँ किया कि मेरी यही स्ट्रैटेजी है और अब मैं सिर्फ यही करूँगा, अब बदलूँगा नहीं कोई कुछ भी बताए? मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस तो शुरू की जो स्टेज होती है उस पर लेना आवश्यक होता है, उसके बाद जब आप एक अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं तो आप अपने हिसाब से करते हैं। मतलब ऐसा है कि बाकी लोग से कितनी अच्छी अच्छी बातें अपन ले सकते हैं वो अपन ने ले ली, अपने ऊपर अप्लाई कितना कर रहे हैं वो ज़रूरी है। अगर अप्लाई कर रहे हो सही जा रहा है तो ठीक है, और स्ट्रेटजी और ये होती है बाकी लोगों की, वो उससे ना कुछ कुछ चीज़ें ले सकती हैं, प्रॉपर आप उनकी स्ट्रेटजी नहीं ले सकते हैं। और गाइडेंस में मैं कहूँगा कि मैंने सर हैं, सर से गाइडेंस ली, और उसके बाद जो दीदी है, दीदी तो थी मेरे पास, तो दीदी क्या करना है क्या नहीं करना है उसका बहुत बड़ा रोल रहा, तो 2 लोगों ने मेरे को प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा गाइड किया है मुझे ऐसा लगता है। और UPSC के कुछ टॉपर्स थे, टॉपर स्टॉक बहुत ज़रूरी है, और MP में भी टॉपर्स रहे हैं, उनके टॉपर स्टॉक को क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब मैंने शुरू के स्टेज में ज़्यादा ली है, और मेंस के दौरान कि मेंस कैसे करना है क्या नहीं है, बस इसके बाद इतने ज़्यादा नहीं देखी मैंने, क्योंकि हम ना प्रॉपर फिर उन्हीं में घूमे रहते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है कि वो जो कर रहे हैं फिर हम भी वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ बातें उनसे अच्छी ले लीजिए और फिर उसको अप्लाई कीजिए खुद पे, और फिर एक अपनी अलग स्ट्रेटजी बनाइए, ये होता है। ऐसी कोई बात जो आपने उनकी बिल्कुल जो उन्होंने कहा बिल्कुल वही अप्लाई की हो? नोट्स जो है या फिर जिससे भी पढ़ रहे हैं वो सिलेक्टिव करिए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा लिखिए। क्या है कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा सिलेबस से करके बहुत सारी बुकों से पढ़ते हैं या फिर बहुत सिलेबस कर लेते हैं, आप जितना ज़्यादा अपने जो नोट्स हैं उसको जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ना उतना ज़्यादा दिक्कत आपको होगी। परफेक्ट रखिए कि हमको हर सब्जेक्ट में जैसे पेपर 1st, 2nd, 6 इससे पढ़ना है, उसके अलावा फिर पेपर के दौरान या फिर कोई मतलब कोई भी कहे चाहे जो सिलेक्टेड वो भी कहे कि नहीं चेंज करना चाहिए तुम गलत पढ़ रहे हो तो नहीं करना चाहिए, फिक्स सिलेबस का जितना भी नोट्स है आपका सिलेक्ट कीजिए कि फर्स्ट मेरे को इतने से पढ़ना है तो पढ़ना है और उसी से फिर पूरा करते जाइए। ये टेस्ट सीरीज आपने कहाँ से की और कितने टेस्ट दिए होंगे लगभग? अब मैंने 19 के दौरान जो है 2 टेस्ट सीरीज करी, 20 में भी 2 टेस्ट सीरीज करी, मतलब मेरा ऐसा है कि 2 टेस्ट सीरीज करने से प्रैक्टिस अच्छी आ जाती है, और यहीं इंदौर से ही मैंने करी 2 कोचिंग संस्थानों से, और याद तो नहीं मेरे को काउंट मैंने नहीं किया, लेकिन ऐसा है कि लगभग 1.5 महीने तक चले 2 टेस्ट सीरीज, और समानांतर हर पेपर देना ज़रूरी है,
नंबर आए या ना आए, आपका रेगुलर मतलब निरंतर देना जरूरी है आपका। नंबर मेरे भी कम आते थे, मैं बता रहा कि शुरुआत मेरी मेंस में 50 नंबर 60 नंबर मतलब 150 में से ऐसे शुरू हुई, फिर वो बढ़ते जाते हैं। आप बिना जब पढ़े पेपर देते हैं ना तो आप कैसे होते हैं, 50 60 70 ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इसमें ना आपको रुकना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर शुरू में ही डिमोटिवेट हो गए तो फिर आगे फिर क्या करेंगे। तो यही होता है नंबर कम होने से ना, और मैं कभी टॉप में आया ही नहीं, ना प्री के टेस्ट में आता था ना मेंस के टेस्ट में आता था। तो मैं दीदी के पास जाता था, दीदी को मैं ये बोलता था कि मेरे बहुत कम नंबर आ रहे, मैं क्या करूँ। तो दीदी कहती थी तू टेंशन नहीं ले, देखना तेरा फाइनल में होगा। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा रही, तो उसने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया कि टेस्ट में नंबर कम आते हैं कोई दिक्कत नहीं, फाइनल में जब आ जाएगा ना तो ये सब चीज़ें भूल जाएगा। बात ये कॉन्फिडेंस आपका, आप जो लिख रहे हो टेस्ट में क्या प्रदर्शन कर रहे हो, मतलब ये कि आप जो पढ़ के जा रहे हैं ना उसको डिलीवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो चीज़ ज़रूरी है। बाकी क्वेश्चन बने ना बने, अब ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट सीरीज में जो आ रहा है जो नहीं बना वो वहाँ भी नहीं बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ के पेपर और यहाँ के पेपर में बहुत अंतर होता है, तो बस ये याद रखना है कि वहाँ 100% देना है, इधर तो अपन दे रहे हैं, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधर 100% देना है, तो ये होना चाहिए। आप होली वगैरह में, होली दिवाली में घर जाते थे या फिर ये था कि अब बनने के बाद ही जाना है? मैं दिवाली बस में जाता था, होली रक्षाबंधन ये सब में नहीं जाता था मैं, मुझे ऐसा था कि वो एक होता है ना कि बन के ही जाएंगे, और दिवाली में तो जाना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो, क्या मेरा उस समय बर्थडे भी आता है तो घर पे जाना जरूरी होता है, तो दिवाली में बस गया मैं, बाकी किसी त्यौहार पे नहीं जाता था मैं। घर में आपकी इमेज कैसी है और रिलेटिव्स में भी, कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट की, कि नहीं आप तो बस कुछ अच्छा करोगे, या फिर आपके रिजल्ट आने के बाद सब शॉक्ड थे कि मतलब एक्सपेक्टेड था, या सब आपने सबको सरप्राइज किया आपने रिजल्ट से? मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मेरे जो माता पिता हैं और सिस्टर्स हैं और एक दोस्त है, उनको सबसे ज़्यादा भरोसा था, बाकी के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। और अभी क्या हुआ कि अभी लोगों को पता चला कि अरे डीएसपी पे हो गया, तो उनका शॉकिंग ऐसा था कि डीएसपी क्या मतलब मजाक कर रहे हो, तो ये वाला शॉकिंग था तो हर किसी का यही था कैसे हो सकता है। तो पूरे मतलब जहाँ मैं रह रहा आसपास सब लोग की कैसे कर लिया क्या, मतलब ऐसा पढ़ने में भी ठीक नहीं था। तो एक एवरेज स्टूडेंट रहने से ना मतलब लोग ना एक्सपेक्ट नहीं करते आपको, हमेशा एक टॉपर से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई एक बेहतर रिजल्ट देगा, कि जो आवश्यक नहीं है, एक एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है। आप जैसे प्री आपने दिया, तो प्री के बाद आप रिजल्ट का वेट करते थे मेंस की तैयारी के लिए, और मेंस के बाद इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेंस के रिजल्ट का आपने वेट किया, कि कंटिन्यूअसली आप लगे थे कि आपको रिजल्ट से इतना मतलब नहीं है, आपको प्रोसेस पूरी करनी है अच्छे से? देखिए प्री का अपन जब पेपर देते हैं तो प्री के बाद आपको अंदाजा हो जाता है कि कितने आएंगे, क्योंकि कोचिंग वाले उन्हें सब निकाल देते हैं आंसर की। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप शुरू कर दो, 2 3 दिन ब्रेक लीजिए, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फिर मेंस का जब हो जाता है तो उसके बाद इतना अंदाजा तो नहीं होता, बट फिर भी ऐसा लगता है कि दिमाग में रखना चाहिए, कम से कम ये है कि अपने बारे में डेफ एफ की जानकारी वो होनी चाहिए। तो लगातार ऐसा रुकना नहीं चाहिए, निकले या न निकले, मतलब मेंस का रिजल्ट आ जाता है तब तो प्रॉपर फोकस करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में रहना चाहिए कि आपको तैयारी करनी है। और प्री के बाद तो आप आपके अगर क्वालिफाई हो रहे हैं, आपको लग रहा है क्वालिफाई होंगे, तो मेंस का ही करिए, क्योंकि जो है मेंस है, मेंस ही आपको पद दिलाएगा, नहीं तो उसके अलावा तो मुश्किल है। अभी बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़े, और आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे? मैं प्री के दौरान से ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि करेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू में ही लग गया था, तो मैं दैनिक भास्कर पढ़ता था। तो अगर दैनिक भास्कर आपके पास नहीं आ रहा तो फ़ोन पे पढ़ता था, फ़ोन पे अवेलेबल हो जाता है, तो मैंने कोचिंग के दौरान ही दैनिक भास्कर पढ़ने की आदत डाल ली थी। और कुछ कुछ प्रश्न होते हैं, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होता, शुरू के 2 3 होते हैं, फिर एडिटोरियल वाला होता है, और लास्ट के 2 3 जिसमें स्पोर्ट्स देश विदेश, बस वही होता है। और जब आप पढ़ते जाते हैं ना तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है मेरे को, फिर लगता है हाँ मेन मेन इंपॉर्टेंट, आपको खुद समझ में आ जाता है क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। तो करेंट के लिए तो मैंने मैगजीन भी नहीं पढ़ी, मैंने मेरा ऐसा है कि दैनिक भास्कर ही पढ़ के है, तो मैं करेंट के लिए ऐसा है कि अपडेट रहना, और करेंट के सबसे अच्छा है कि आप जब पढ़ते हैं ना किसी को बताएं, डिस्कस करें कि क्या पढ़ा आपने क्या नहीं पढ़ा, उसके लिए नोट्स भी ऐसा नहीं कि ज़रूरी बनाना, क्योंकि प्री में आएगा तो आपको क्लिक हो जाता है कि हाँ मैंने ये कहीं पढ़ा था, तो वो ज़रूरी है। और मेंस के लिए होता है तो कुछ डाटा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप नोट कर लीजिए, तो वो इंपॉर्टेंट रोल है मेरे को ऐसा लगता है ये करेंट का। ल्यूसेंट पढ़ी आपने, और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? मैंने क्या है कि लूसेंट पढ़ी नहीं है, लूसेंट मेरे पास रखी थी, उसमें विविध पढ़ा मैंने, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, मतलब शुरू से ही मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी, तो मुझे लगा कि एनसीईआरटी पढ़ ली थी फिर लूसेंट क्यों, तो मैंने लूसेंट नहीं पढ़ी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सीधे नोट्स पढ़ा मैंने, बस हो गया, उसके अलावा कभी उपयोग नहीं किया मैंने। ठीक है। और अभी
होने के बाद जब लिस्ट में नाम आ जाते हैं तो ट्रेनिंग की क्या प्रोसेस रहती है? अभी आप कब जा रहे हो ट्रेनिंग पे? अब एक नियुक्ति पत्र आता है, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर के बाद हमको वेरिफिकेशन करवाने के लिए भोपाल वल्लभ भवन जाना पड़ेगा, उधर से फिर भोपाल भेजा जाएगा, जो कि सबसे सबका एक वहाँ पे बेसिक जो होता है वो कोर्स होगा 45 दिन का आई थिंक। उसके बाद फिर हमें भोपाल में ही पुलिस एकेडमी में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद तो मुझे भी नहीं पता अभी एक्चुअली। अभी ट्रेनिंग में जाने से पहले भी कोई तैयारी करनी पड़ती है या क्या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई तैयारी करनी पड़े, मुझे क्या है कि जानकारी नहीं है अभी तो फिलहाल। हाँ, नहीं मुझे लगा कि जैसे कि जब तक नहीं बनो ना तो ये वाला प्रोसेस नहीं पता रहता है। नहीं नहीं अभी तो जितने सिलेक्टेड हुए पहले तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कुछ करना पड़ेगा करके प्रिपरेशन के लिए कुछ। इस क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं, अगर आपसे ये बोला जाए कि बस इतना कर लो हो जाएगा तो बस ऐसा क्या है कि ये तो करना ही मस्त है? सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस रखिए, सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हैं उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आती है, डेफिनेशन, परिभाषा, प्रकार या उसके महत्व, ऐसे करके कुछ टॉपिक होते हैं हर चीज़ के, उसके इर्द गिर्द जो है चारों आयाम जो है वो कंप्लीट कर लीजिए, बस उतना कर लीजिए हो जाएगा। सिलेबस में मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब पूरा का पूरा जो सिलेबस है ना उसको अच्छे से गो थ्रू हो जाएगी, कोई टॉपिक ना छूटे आपका, बस ये इंपॉर्टेंट मेरे को ऐसा लगता है। आपकी हॉबी क्या है? वेट लिफ्टिंग और कुकिंग, दो हॉबी है मेरी। और आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन जहाँ आप जाना चाहते हैं, क्योंकि अब आप DSP बन गया तो कहीं भी जा सकते हैं? नहीं ऐसा तो अभी तय नहीं किया है मैंने, बट ऐसा है कि यूरोप का है मेरा दोस्त, मेरा एक ही दोस्त है प्रॉपर, मतलब जिसके साथ बहुत शेयर होती है, हम बात नहीं करते, मतलब ज़्यादा वैसा नहीं होता, ग्वालियर में रहता है वो, तो उसके साथ ही हमारा घूमने जाना है, यहाँ है वहाँ है, तो पूरी प्लानिंग उसके साथ ही है अभी तो। और आपका फेवरेट फूड? मतलब ऐसा तय तो नहीं है, बट ऐसा है कि कढ़ाई पनीर जो है, क्योंकि वो मैं बना भी लेता हूँ अच्छे से, तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। और इसका सोचा है कि आपकी तो फर्स्ट सैलरी आएगी आप, तो उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, मुझे तो ऐसा है कि मम्मी पापा को ही दूंगा मैं, क्योंकि ऐसा है कि उनके लिए, मतलब ऐसा है कि वो खुद जॉब में है तो उनके लिए इतनी वैल्यू नहीं, बट ये है कि बच्चे की पहली पेमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका, मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है माँ बाप का ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि उनकी, उन्होंने पूरी लाइफ दे दी आपको पढ़ाने में, और रिटायरमेंट की एज आ गई और अभी जाके मेरी जॉब लग रही है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत है थी कि कुछ अच्छा करे, उनका तो ऐसा होता है माँ बाप, कोई भी माँ बाप होते हैं ऐसा लगता है कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, तो बस उतना हो जाए ना उसकी फर्स्ट सैलरी आ रहे में, मतलब उनको इतनी खुशी होती, मेरा रिजल्ट आया, क्या बना क्या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, बात यह है कि हाँ सिलेक्ट हो गया है, अब अपनी लाइफ में ये चला जाएगा, वो वाली चीज़ होती है, तो माँ बाप की एक अलग वो होती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको ही दूंगा मैं फर्स्ट सैलरी। और सर मुझे पता नहीं था कि आपका भी यूट्यूब में चैनल है, क्योंकि मतलब मुझे अभी दिखा नहीं, तो आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए ताकि सब लोग जुड़ सके आपसे। मेरा जो है DSP दीपक सिंह मरावी, ये चैनल का नाम है, तो आप सर्च करिएगा तो उसमें मिल जाएगा, और फेसबुक और इंस्टा, इस पर भी DSP दीपक सिंह मरावी नाम से ही पेज है, तो तीन मैंने प्रॉपर एक ही करे। बिल्कुल सर, अब आपके सब्सक्राइबर बन रहे हैं अब हम लोग और सारी PSC वाली फैमिली। जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए धन्यवाद। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और गाइड करने के लिए, क्योंकि आप, जब मैंने आपको बोला ना, आपसे पूछा चैनल पे आने के लिए, तो आपके ना ऐसा नहीं कि आप फील्ड में जाके ही आप कुछ अच्छा करोगे, ये बनने के बाद ही आपका जो रिस्पांस था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यार वो शुरुआत से ही दिख जाता है, ऐसा नहीं कि अभी आप एरोगेंट रहोगे बाद में आपके अंदर वो करुणा और वो सारे मूल्य आएंगे। तो इतनी बारिश वगैरह में भी आप सिर्फ गाइड करने के लिए आए, तो सर बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों से मैं बोलूंगी कि सर का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सर को थैंक यू बोलिए। मैं तो सबसे पहले आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया आपने कि सब तक पहुंच सकूं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब अपन स्टूडेंट होते हैं ना, तब अपन भी ऐसा देखते हैं कि कोई तो हमें गाइड करे, मतलब कुछ तो कहीं से पता चल जाए, और खासकर मुझे ऐसा लगता है कि आधे से ज़्यादा तो ना एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनको बहुत डाउट होता है अपने ऊपर, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सबको कि इंजीनियरिंग में मेरे ना, मैं सेकेंड ग्रेड से पास हुआ हूँ, मेरे 56% है, और 56% बनाने के बाद भी आज मैं है और मेरे को 150 मार्क्स, तो मुझे है कि कोई भी कर सकता है, एक तो और कर सकते, तो कर ही सकते हैं, बट एवरेज स्टूडेंट भी कर सकता है, तो सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
खुद को मोटिवेट कीजिए, मतलब पावर हाउस होना चाहिए मोटिवेशन का, चाहे जहाँ से भी आप मोटिवेशन लाएं वो करते रहिए और सफलता मिल जाएगी। बस ये है कि अपना 100% दीजिए, जब आप अपना 100% देंगे तो आपको गिल्ट महसूस नहीं होगा जो भी रिजल्ट होता है। और आपने आसपास जो है ना फिक्स लोगों को रखिए जो आपको पॉजिटिव वाइब देते हों, माँ बाप होते हैं, दोस्त होते हैं, कुछ फिक्स रखिए और एक बार लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है करिए। और चाहे जितनी भी फेलियर आए तो अगर आपको बनना है तो आप कभी भी बन सकते हैं ना। देखिए बात ये है ना कि आप फेलियर हैं कोई दिक्कत नहीं है, बात ये है उसके बाद आप कितने अच्छे से किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं। गिरता हर इंसान है लेकिन गिरने के बाद उठने का मजा ही कुछ और होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में रहता है अरे ये क्या कर पाएगा, वो वाली चीज़ होती है, तब ज़्यादा मजा आता है कि हाँ अब तो करेंगे हम, वो वाली चीज़ होती है। नहीं लेकिन सर आपकी जो हैप्पीनेस मैं देख पा रही हूँ ना, ये हैप्पीनेस तभी आती है जब आप पहले फेलियर आपने देखी हो, नहीं तो एकदम न्यूट्रल से रहते हैं बिल्कुल। अरे नहीं बात तो ये है ना कि फेलियर ना आपको सिखाता है, आप जब क्या होता है कि एक समय भी था हमारा जब हम ना मतलब ऐसा है कि अकेलेपन से गुजरता है इंसान, उस वक्त कोई नहीं होता आसके आसपास, तब आप सोचते हैं कि भगवान क्यों हमारी हेल्प नहीं करता। तो मांझी वाला डायलॉग याद आता है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या भरोसा भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तो वो ना मोटिवेशन का एक वो था कि हाँ ये सही बात है ये जो कही गई है। पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि मोटिवेशन की जो बातें कही जाती सब ऐसे ही है, बातें दे देते सब, खुद से नहीं होता, लेकिन ये रियल में उनके एक एक्सपीरियंस होते हैं जो खुद पे अप्लाई करोगे तब समझ में आता है। और ऐसा है कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में ऐसा है कि लोगों को पता नहीं है, अभी जब मेरा रिजल्ट आया लोगों को पता नहीं है कि मैं क्या बना हूँ क्या नहीं बना हूँ, कौन सा अधिकारी हूँ, बस इतना मालूम है कि कुछ बन गया है, तो उनकी खुशी अलग है कि हमारे यहाँ से कोई गया है, हमारे यहाँ से कोई बना है, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा किया मैंने। और दूसरी चीज़ एक चीज़ लगती है मेरे को, पद तो बात की बात होती है, एक स्टूडेंट के तौर पर हम विनम्र होते हैं और पद मिलने के बाद हमारे में और ज़्यादा विनम्रता आ जानी चाहिए, क्योंकि हम रहेंगे कहाँ, हम लोगों के बीच में रहेंगे, एक क्षेत्र में किसी भी काम करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में कहीं भी, लोगों के बीच में काम करना है, तो आप में जितनी अच्छी विनम्रता होगी उतना अच्छा आपका काम होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पद मिलने के बाद ना जो है कि लोगों से जो बिहेवियर है ना वो बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है, मैं भी सुनता था कि लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो ये हो जाता है वो हो जाता है, फिर मैं सोचता था जब अभी सिलेक्ट हुआ तो मैंने कहा क्या अलग किया, कुछ अलग नहीं किया हमने, जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं ना उनका भी व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन परिस्थितियाँ आसपास की ऐसी होती हैं कि नहीं हो पाया, क्योंकि वो सब कैपेबल हैं। अभी क्या होता है कि जिनका नहीं होता ना वो लगता है हम कैपेबल नहीं है, सब कैपेबल हैं, बस ऐसा है कि परिस्थितियाँ आसपास की सही नहीं है, इस कारण से ऐसा है। हर कोई सिलेक्ट हो सकता है, पोस्ट कम है वो बात अलग है, लेकिन हर कोई सिलेक्ट हो सकता है, बस ऐसा ही खुद पर भरोसा रखिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है और ऊपर वाले का तो है ही आशीर्वाद, और हो जाता है हर किसी का सिलेक्शन हो जाता है। थैंक यू सो मच सर, आप बताइए कि आप क्या